Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the subject English grammar. Chapter number 16 is direct and indirect speech. ये एक बहुत ही बड़ा chapter है जिसको एक या दो दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता है. इस chapter की मैं YouTube video आप लोगों को explanation के लिए भेज रही हूँ. उसी video के explanation को देखते हुए आप लोग इस chapter की exercises खुद solve करेंगे book में. लेकिन चैप्टर नंबर 16 से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ा रही हूँ. इस वजह से उस चैप्टर में से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा. उसकी जगह चैप्टर नंबर 17 में से कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है. कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन, आप लोगों को सबको पता है कि हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखते हैं. किसी का भी नाम लिखते हैं या सरनेम लिखते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं. मंथ का नाम, डे का नाम लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे. प्लैनेट्स का नाम, कंट्रीज़ का नाम, सिटीज़ का नाम, स्टेट्स का नाम, ये सब भी जब हम लिखते हैं तो हम कैपिटल में ही लिखते हैं. कॉमा हम तब लगाते हैं जब एक साथ हम कई चीज़ों का नाम लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ब्रॉट पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल एंड लेडीज़ फिंगर फ्रॉम द मार्केट. तो पोटैटो के बाद कॉमा, टमाटो के बाद कॉमा. कोई एक फ्रेज बोल रहे हो तो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं. क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के बाद तब लगाते हैं जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं. फुल स्टॉप तब लगाते हैं जब एक सेंटेंस बोलते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगाते हैं जब कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग न्यूज़ बोलते हैं या कुछ कॉमेंट करते हैं. तो उसी पे बेस्ड इस चैप्टर को भी आप लोग पढ़ के, एक ही एक्सरसाइज लास्ट में दी है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे. सो इसी के साथ हमारा इंग्लिश ग्रामर का एनुअल कोर्स आज कंप्लीट होता है. सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह भी आप लोगों को भेजा जा चुका है. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.